सिप के वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। इस बार करंट अफेयर कुछ चेंज रहेगा, क्लियर है। ये अगस्त के तीसरे सप्ताह का करंट अफेयर है, तो ये डिस्कस होगा 14 अगस्त से 31 अगस्त तक। क्या परिवर्तन होगा इस बार? हम जो देश की सबसे बड़ी घटना है एनआरए या सीईटी, ठीक है, इस पर हम डिटेल पहले हम वीडियो को डिस्कस करेंगे, मतलब उसके एमसीक्यू देखेंगे, और उसके बाद जो वीकली करंट अफेयर है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सारे क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखें, और अगर आपने सीईटी की खबर सुनी हो, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो अब आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर बन जाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं रोचक तथ्यों और बेहतरीन जानकारी के साथ इस हफ्ते का वीकली करंट अफेयर। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सीईटी का पूर्ण रूप है, आपने सुना होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इसका पूर्ण रूप यह होगा। अच्छा, अब इसको ध्यान से समझना जरा, ये जो है एक तरह की राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की तरह ये कार्य करेगी, क्लियर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सीईटी में कौन से विभागों की भर्ती की जाएंगी? तो ऑप्शन आपको दिखे हैं रेलवे, एसएससी, आईबीपीएस। पहले तो आप ये समझ लो उनकी फुल फॉर्म देख लो। तो रेलवे की जो रिक्रूटमेंट कराता था वो कराता था आरआरबी, जिसका फुल फॉर्म है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। एसएससी का होता था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्लियर है। और तीसरा जो है आईबीपीएस, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड। तो अब इन सभी की परीक्षाएं, मतलब ये बोर्ड अब आपको सुनने में कभी नहीं मिलेंगे, तो अब इन सभी की परीक्षाएं होंगी सीईटी के द्वारा। तो तीन मुख्यता को जोड़ा गया है, रेलवे, एसएससी और बैंक, ये ध्यान रखें। अगला है सीईटी का रिजल्ट कब तक मान्य रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष हमेशा। तो ध्यान रखें सीईटी का जो रिजल्ट है वो केवल और केवल 3 वर्ष के लिए मान्य रहेगा। इस बीच आपका टेस्ट सेव हो जाएगा, और जो भी सरकारी एजेंसी में जॉब निकलेगी उसमें आप उसको फॉर्म को अपने नंबरों के द्वारा भर सकते हैं। वह संस्था आपके नंबरों के आधार पर आपको चयन कर लेगी, क्लियर है। अगला है सीईटी में कितनी भाषाओं की परीक्षाएं होंगी? तो 3, 12, 22 या 2 भाषाएं। तो इसका सही आंसर है 12 भाषाओं में। अब तक कितनी भाषाओं में पेपर होता था? तो अब तक केवल 2 भाषाओं में पेपर होता था, लेकिन अब आपको 12 भाषाएं मिलेंगी, क्लियर है, यह भी आप ध्यान रखें। सीईटी में परीक्षा का जो आयोजन है वो किस स्तर पर होगा? ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राजधानी स्तर पर, प्रदेश के महानगरों स्तर पर। तो ध्यान रखें इसका आयोजन होगा जिला स्तर पर। इससे पहले क्या होता था? तो इससे पहले जैसे अगर हम मैं बात करूं मध्य प्रदेश का, तो भोपाल कुछ एक जो महानगर हैं और 1-2 जिलों को मुख्यतः परीक्षा का आयोजन किया जाता था, क्योंकि कंप्यूटर की इंपॉर्टेंसी या कंप्यूटर उस स्तर पर सुविधाएं प्रदान नहीं होती थी। लेकिन अब सरकार ने दावा किया है कि परीक्षाएं जिला स्तर पर होंगी। इसका सीधा फायदा गर्ल्स को मिलेगा, जो महिला अभ्यर्थी होती हैं उनको सीधा फायदा इससे मिलेगा, वो आसानी से अपने नजदीकी परीक्षा हॉल में परीक्षा दे पाएंगी। अगली बात ये भी आप समझ लें, यदि कभी भी किसी भी जिले में महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई और सीटें कम रहेंगी, तो पुरुषों को अलग जिले में परीक्षा देने का मौका मिल सकता है। अगला है, ध्यान से सुने, राज्यों की भर्ती एजेंसी समाप्त कर दी गई है, क्या यह बात सच है? तो ये बात ध्यान रखें, नहीं, अभी निर्धारित, सी आंसर इसका होगा, निर्धारित नहीं किया गया है। अब जरा समझना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ये आया था एनआरए सीईटी जिसको हम बोलते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में हम मार्क्स जो होंगे, जो सीईटी के मार्क्स होंगे, उसी के आधार पर हम प्रदेश में जॉब देंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सीईटी के मार्क्स अदर राज्यों के होंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी। मतलब मध्य प्रदेश के मूल निवासियों ने जो भी सीईटी में मार्क्स लिए होंगे उसके आधार पर आपको रिजल्ट में बैठने मिल जाएगा, मतलब परीक्षा में बैठने मिल जाएगा। तो ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले पी भी लेती थी, लेकिन यस, परीक्षा का पैटर्न काफी चेंज होने वाला है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं,
आप कुछ इसकी खासियत और कुछ कमी पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी कुछ सबसे पहले विशेषता तो यही है कि सबको एक सिलेबस पढ़ना होगा। किस तरह से? तो अभी आप ये देखते थे कि जैसे बैंकिंग का कोई भी व्यक्ति है तो वो जीके, खासतौर से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या एडवांस मैथ्स नहीं पढ़ता था, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति टाइप की। लेकिन अब बैंकिंग वाले जो भी पर्सन हैं उनको ये सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। वहीं अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में आपने देखा होगा कि इंग्लिश नहीं आती थी, क्लियर है? तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि रेलवे में इंग्लिश आएगी। अब इसका पैमाना क्या होगा, 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 100 में से, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब ये संभावना है कि इंग्लिश लगभग सभी पेपरों में आएगी। लेकिन मोदी सरकार है तो कह नहीं सकते कि कितनी कम आएगी, क्योंकि हो सकता है सरकार इस पर कमी कर दे, क्योंकि हिंदी को वो ज्यादा प्रमोट करती है। अगली जो बात है ये भी आप ध्यान रखें कि अब परीक्षा की जो फीस है वो आपको अलग अलग परीक्षा के लिए अलग अलग भरनी पड़ती थी। जैसे आप बैंक का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक फीस भरनी होगी, रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं तो अलग फीस भरनी होगी। लेकिन अब आपको जो फीस है वो केवल एक ही लगेगी, वो है सीईटी की, क्लियर है? ये भी ध्यान रखें। और रिजल्ट की भी बात करें तो अब सरकार की नजर, निश्चित रूप से केंद्र सरकार की नजर स्पष्ट रूप से होगी, कौन सी परीक्षा का रिजल्ट आया है, कौन सी परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया है। तो निश्चित रूप से रिजल्ट जो है अब काफी कम समय में आएगा। तो उम्मीद है सीईटी को लेकर आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम वीकली करंट अफेयर के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस हफ्ते का वीकली करंट अफेयर। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये जो हैं ये वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं, कि आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में 100% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और उन्होंने अब जो अपने राज्य के सभी नागरिक हैं उन्हीं को जॉब देने का कह दिया है। ध्यान रखें इससे पहले 5% आरक्षण अदर राज्य को दिया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में केवल मूल निवासियों को ही सरकारी नौकरी में जगह मिलेगी, बाकी बाहरी राज्यों के लोगों को सरकारी नौकरी में जगह नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिए, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। अब ये क्या है, देखिए, जो मृत्यु के बाद हम अपने शरीर को दान दे देते हैं, अपने शरीर के पार्ट जैसे आंख बहुत ज्यादा दी जाती हैं, है ना, इसके बाद कई लोग किडनी भी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो शरीर के दान दे देते हैं, तो उसको बढ़ावा देना के लिए। क्योंकि अगर आप आंख दान कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपकी आंख से कोई और देख रहा है, तो कई लोग इस तरह का दान करते हैं। कई लोग पूरे की पूरी डेड बॉडी भी दान कर देते हैं। जैसे आप समझते होंगे, जैसे जो डॉक्टर हैं तो उनको अगर ऑपरेशन सीखना है तो उनको एक डेड बॉडी चाहिए होगी, क्लियर है? तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी डेड बॉडी भी दान दे देते हैं। तो इन लोगों को याद में और इस तरह को प्रोत्साहन के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय मूल की किस महिला को उपराष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार के लिए चयन किया है? तो इसका सही आंसर है कमला हैरिस। अब जरा ये समझें कमला हैरिस के बारे में, अब वहां पे समझे, अमेरिका में जैसे अपने भारत में क्या होता है, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन अमेरिका में दो पार्टी होती हैं, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो क्वेश्चन में लिखी है, दूसरी पार्टी होती है रिपब्लिक पार्टी। तो रिपब्लिक पार्टी के जो हैं वो हैं ट्रंप, ये ध्यान रखें। और ट्रंप जो हैं, जो इस समय की सत्ता में है, डोनाल्ड ट्रंप। और अगर पूछा जाए कि इनका चुनाव चिन्ह क्या है, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो रिपब्लिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी, अब डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता अगर आपको याद हो तो बराक ओबामा, ठीक है, काफी बड़े नेता रहे हैं, और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है गधा, डोंकी, क्लियर है? तो ये ध्यान रखें। एक और तथ्य आपको मजेदार मैं आपको बता दूं कि जो संसद है, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है अमेरिका में, उसे कांग्रेस कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस का मतलब होता है सभा। एक और बात, अमेरिका ने हाल ही में बहुत ही बड़ी घोषणा की है कि वो WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन से
अलग होने की घोषणा कर दी है कि वह उससे अलग हो जाएगा, क्योंकि जो कोरोना पेंडेमिक है उसमें WHO ने कई बार चाइना का सीधा सीधा पक्ष लिया है, तो इस कारण से अमेरिका ने यह घोषणा कर दी है। और आपको ये भी बता दें कि जो पाकिस्तान से इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसको भी कुछ समय के लिए हो सकता है कुछ समय चालू कर दें, या अभी हाल फिलहाल में उसे बंद कर दिया है इंटरनेशनल जो फ्लाइट हैं उनको पाकिस्तान की। क्लियर है? तो ये आप जानकारी इस क्वेश्चन से आपको मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की? तो ये आप ध्यान रखें, खेल मंत्रालय। अब ये कब से कब तक चलेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक ये फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। और ये क्यों किया जाएगा 2 अक्टूबर? तो ध्यान रखें, इस बार महात्मा गांधी की जो जन्म जयंती है उसकी 121 भी, माफ कीजिए, 151 भी है, ठीक है, वन। तो इस कारण से ये आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इसमें ये सब चीजें ध्यान रखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, है ना, और कोरोना की जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सब फॉलो किए जाए। अगले प्रश्न देखते हैं। अमृत योजना में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? अमृत योजना में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? ठीक है, तो कौन सा राज्य रहा? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। अब ध्यान रखें, इसका क्रम याद रखें, पहले स्थान पर उड़ीसा, दूसरे पर चंडीगढ़, तीसरे पर तेलंगाना, ठीक है, और ये सारे राज्य रहे, ठीक है। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, अमृत योजना क्या है, तो हर घर शुद्ध पानी, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि अमृत योजना के तहत उड़ीसा के लोगों को सबसे शुद्ध पानी दिया जाता है। इसके अलावा सीवर लाइन भी निश्चित रूप से, अगर शुद्ध पानी चाहिए होगा तो सीवर लाइन अब भी अच्छे से बिछानी होगी, अमृत योजना में है। तो अब ये सीवर लाइन क्या होता है इसको भी समझना। ये जो नालियां होती हैं उनको एक तरह से, नालियों को बंद करके पूरा एक पाइप के माध्यम से पूरा नाली को निकाल देना, उसको नाले में मिला देना, ये कहलाता है सीवर लाइन। क्लियर है? तो हाइट हो जाती है, पूरी नाली दिखती नहीं है, ये कहलाती है सीवर लाइन। तो ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि अमृत योजना के लक्ष्य क्या क्या हैं, तो ध्यान रखें पहला लक्ष्य तो यही है शुद्ध पेयजल, दूसरा लक्ष्य है सीवर लाइन, और तीसरा लक्ष्य जो है वो है हरित क्रांति टाइप की, मतलब हर जगह हरियाली बिछाई जाए। तो ये तीन अगर चीजें हैं तो उस राज्य को नंबर एक का दर्जा दिया जाएगा, और इसमें नंबर एक पर वर्तमान में है उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय सीट्स पर रहा? तो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, JNU मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जामिया मिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखें, जामिया जो विश्वविद्यालय है वह प्रथम स्थान पर रहा है, इसके अलावा राजीव गांधी विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर, तथा JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इसमें तीसरे स्थान पर रही है। यह भी ध्यान रखें, वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री हैं वो है रमेश पोखरियाल, और शिक्षा मंत्रालय जो कि हाल ही में परिवर्तित हुआ है, शिक्षा मंत्रालय का कुछ दिन पहले ही नाम क्या था, तो कुछ दिन पहले से नाम जो था वो था MHRD, ठीक है, जिसे हाल ही में चेंज किया है, ठीक है, कई सालों बाद। आगे बढ़ते हैं। विक्रम दुरई स्वामी को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। क्लियर है? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, दोनों, दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर है दोनों। क्लियर है? तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हालांकि ये दोनों ही खिलाड़ी अभी IPL जैसे खेलों में आपको देखते रहेंगे। क्लियर है? अगला है, अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं दलाई लामा। अगला है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क, माफ कीजिए, भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य है 2030 तक। अब मृत्यु दर क्या कहलाती है, जो एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं वो अब एक भी ना मरे, इसके लिए लक्ष्य रखा गया है 2030। इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कहाँ कर रहा है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर में इजरी नदी का घाट है,
वहां पर ये निर्माण हो रहा है और ये दुनिया का सबसे लंबा घाटपुट है और इसकी लंबाई है 141 मीटर लंबी। तो अगर आपसे पूछा जाए इससे पहले कितना था, तो इससे पहले जो दुनिया में बना है वो बना है 139। क्लियर है? तो 2 मीटर लंबा ये घाट पुल भारत में बन रहा है जो कि मणिपुर में है। 15 अगस्त को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अब जरा समझो, बांग्लादेश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनकी 45 वर्ष पूर्व हत्या हुई थी आज ही के दिन, मतलब 15 अगस्त को। तो इसी कारण से यह दिवस जो मनाया जाता है यह शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो अब वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के हैं वो हैं अब्दुल्ला हामिद। आपको बता दूं प्रधानमंत्री इस समय है शेख हसीना। वहां पर मुद्रा जो चलती है वहां चलती है टका, और राजधानी जो है बांग्लादेश की वो है ढाका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया? तो ऑप्शन है 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त। तो ध्यान रखें इस जो पारसी नववर्ष है ये मनाया गया था 16 अगस्त को, ठीक है, 16 अगस्त को। अब ये क्या होता है, तो इसी दिन क्या हुआ था, ईरानी कैलेंडर का आरंभ हुआ था, ठीक है। तो दो लोग पारसी नववर्ष मनाते हैं, एक तो पारसी और दूसरा ईरानी। अगला है, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ध्यान रखें वो थे क्रिकेटर, और वर्तमान में वो यूपी में मंत्री भी थे, यूपी सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में। तो चेतन चौहान का निधन हो गया है और वो थे एक क्रिकेटर थे। सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है ये मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले सत्यपाल मलिक जो थे वो गोवा के पूर्व राज्यपाल थे। क्लियर है? अब अगर आपसे पूछा जाए कि गोवा का तो वर्तमान राज्यपाल किसे बनाया गया है, तो भगत सिंह को, जो भगत सिंह है गोवा के राज्यपाल, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गोवा का। क्लियर है? अच्छा, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे खुशी होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप प्लेलिस्ट में योजनाओं को लेकर जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाए, करंट अफेयर में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। तो ये ध्यान रखें, सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अब रख दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे, ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, पंडित जयसराज का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे थे गायक। अगला है, सेबी ने अपना कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो इस ये नियुक्त किया है जेपी गर्ग को। अब सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना, सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में। मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। आगे बढ़ते हैं, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020 की ये पुस्तक है कि लेखक का नाम आपको बताना है। तो इस लेखक के नाम, लेखक के जो है वो है अर्जुन सुब्रमण्यम। क्लियर है? अगला प्रश्न है, VSF का, ठीक है, VSF का फुल फॉर्म बता सकते हैं आप? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिर्देशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राकेश अस्थाना को। अगला काफी मजेदार क्वेश्चन है, सुनते हैं जरा। डी जोरी दिवस किस राज्य ने मनाया? तो ये पौंडीचेरी ने मनाया, और कब मनाया? तो ये हर साल 16 अगस्त को मनाता है। तो अब जरा इसको समझो क्यों। एक्चुअल में जो पौंडीचेरी है वो 1962 में भारत से जोड़ा था, ठीक है। अब यहां पर पूछा जा सकता है पौंडीचेरी में किसका राज्य था? तो यहां पर राज्य था फ्रांसीसी सरकार था, ठीक है। तो फ्रांसीसी सरकार ने इसे मुक्त किया था,
16 अगस्त 1962 को, इसीलिए उसी दिन से डी ज्योरी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? तो ये था इस हफ्ते का करंट अफेयर। अगर यह करंट अफेयर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप इस प्रश्न का आंसर जरूर दे पाएंगे। क्वेश्चन है, सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? क्लियर है? तो इसके ऑप्शन मैं आपको नहीं दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए। चलिए, तो अगले संडे को मिलते हैं इसी तरह के एक और वीकली करंट अफेयर में। तो उम्मीद है यह आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। यह वीडियो आप छायंस दीप पर देख रहे हैं। छायंस दीप पर इस समय मैथ्स जी के वीकली करंट अफेयर के अलावा कई सारे घटनाक्रम पर इस तरह के वीडियो बन रहे हैं, तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें यदि कोई भी कंफ्यूजन हो, और शेयर कर दें जिनकी भी आप इस तरह से वीकली करंट अफेयर से मदद करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लास में। नमस्कार।